2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा इलेक्शन से इस बार केजरीवाल को काफी उम्मीदें हैं, लिहाजा वो अभी से कैंपेनिंग मोड में हैं। अमृतसर से केजरीवाल ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। चुनावी रैलियों के साथ उन्होंने यहां तमाम दिग्गजों को पार्टी की सदस्यता भी दिलवाई, जिनमें पूर्व इंस्पेक्टर जनरल विजय प्रताप सिंह भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के इस दौरे को लेकर जमकर विरोध किया। अमृतसर की तमाम गलियों में केजरीवाल गो बैक के पोस्टर लगाए गए और आम आदमी पार्टी पर फायदे की राजनीति करने का आरोप लगाया। पंजाब के चुनावी महासमर के बीच यहां के सियासी दलों में भी तमाम नए समीकरण बन रहे हैं। बात अगर यहां आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस की हो तो साल 2017 में केजरीवाल ने मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई थी। 20 सीटें जीतकर वो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरी। अब साल 2022 में केजरीवाल और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद में हैं, लिहाजा वो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार और रैलियों के जरिए जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश में हैं। मतलब साफ है कि इस बार के चुनाव में आप विरोधी दलों के लिए सिरदर्दी का सबब बन सकती है।